हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे सुपर ट्रिक्स। ये सुपर ट्रिक्स बहुत हेल्पफुल होंगे आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जिसके अंदर इंटीग्रेशन आता है, आप वहाँ पे ये सुपर ट्रिक्स लगा सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट मेथड में ले रहा हूँ डी आई मेथड। डी आई मेथड मीन्स क्या है? डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन मेथड। तो हम एक पार्ट लेंगे इसका डिफरेंशिएशन का, दूसरा पार्ट लेंगे इंटीग्रेशन का। आपको समझ आ रही बात? ठीक है, तो अब मैं इसको समझाने के लिए बेस्ट वे ये है कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, उसके थ्रू समझाता हूँ। मेरे पास सपोज एक एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर साइन थ्री एक्स। मैंने एक एग्जाम्पल लिया आपको समझाने के लिए, एक्स स्क्वायर साइन थ्री एक्स। इसको मैं सॉल्व करता हूँ। देखो, अब ट्रेडिशनल मेथड जो था इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, उससे करेंगे तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, है ना। अब अगर मैं इस मेथड से करता हूं तो इट विल टेक 30 सेकेंड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आप ध्यान से देखो, आपको समझ आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होता था, जब आप मेरे लास्ट लेक्चर्स में देखे होंगे आपने, मैंने आपको सिखाया है कि जब आप किसी भी इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में डिफ्रेंशिएशन किस पार्ट का करना है और इंटीग्रेशन किस पार्ट का करना है, ये आपको समझ में आना चाहिए। उसके लिए मैं एक मेथड यूज किया था, अगर आपको याद हो, उस मेथड का नाम था आई लेट। आपको याद होगा आई लेट? आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लॉगरिथमिक, ए फॉर अलजेब्रिक, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक एंड ई फॉर एक्सपोनेंशियल, राइट। अब आपको ये जो मेथड है इसके थ्रू, ये जो ट्रिक है इसके थ्रू, आप ये समझते हो कि इसमें से मुझे किसको डिफरेंशिएट करना है। जब एक को डिफरेंशिएट करना है, टू पार्ट्स आ गया, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें किसको डिफरेंशिएट, किसको इंटीग्रेट करना है। ये बात समझ में आ रही है आपके? तो जस्ट यही करते हैं। तो अब आप देखो, फर्स्ट इसमें से कोई भी इनवर्स पार्ट नहीं है, इसमें से कोई लॉगरिथमिक पार्ट नहीं है, इजंट इट। इसमें अलजेब्रिक पार्ट है, ये आपका अलजेब्रिक पार्ट है, तो ये हो गया, बाकी हमें सर्च नहीं करना है। समझ आया? ठीक है, तो अब आपके पास ये वाला पार्ट क्या हो गया? डिफरेंशिएशन का पार्ट हो गया। मैंने यहां पे लिख लिया डिफरेंशिएशन, बाकी जो रेस्ट बचा वो क्या होगा? इंटीग्रल पार्ट होगा। ये समझ आ गया आपको? ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो मैंने यहां से इस चीज को यहां पे नोट कर लिया। क्लियर हुआ ना ये कंसेप्ट? अब आपको क्या करना है, बस यहीं पे वो स्टेप है जो आपको सीखना है मेनली। अब आपको क्या करना है, इस वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करते जाओ, इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट करते जाओ, दैट्स इट। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 2x, है ना। अगेन इसका डिफरेंशिएशन 2x का कितना आएगा? 2, और 2 का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 0। जब ये 0 आ जाए, स्टॉप कर दो इस चीज को। यहां पे अब इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन क्या होता है? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, रिवर्स प्रोसेस या रिवर्स गियर ऑफ डिफरेंशिएशन। तो साइन 3x किसका डिफरेंशिएशन होगा? माइनस कॉस 3x बाई 3 का, isn't it? तो मैंने इसका इंटीग्रेट कर दिया सिंपल वे में, तो ये मेरे पास आ गया cos 3x बाई 3। क्लियर हुआ? माइनस आता है। ठीक है, अब अगेन इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस साइन, ठीक है, 3x अपॉन 9। ठीक है, इसका अगेन डिफरेंशिएशन कर देंगे तो कितना आ जाएगा? साइन का cos हो जाएगा cos 3x अपॉन 27। आगे इसलिए नहीं करेंगे कि आपके बोल हमारे पास डिफरेंशियल पार्ट 0 हो चुका है, तो आगे हमें इसको करना नहीं है। ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हमें जिस फर्स्ट वाले पार्ट से ही जहाँ से किया वहाँ से प्लस, इसको माइनस, इसको प्लस, इसको माइनस, और सिंपल से ट्रिक है, आपको समझ आ जाएगी। ये मैंने किया, क्लियर हो कॉन्सेप्ट? अब क्या करेंगे, ठीक है, इसको इस तरह से रिलेट करते हैं, दे आर रिलेटेड विद दिस टर्म। क्लियर हुआ? अब क्या होगा, बस आपको इतना ही करना था, दैट्स इट, यू विल गेट अ प्रॉपर रिजल्ट। ठीक है, कैसे होगा, इसको अप्लाई कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। एक ही स्टेप में आपको वो चीज़ तो आपका रफ पार्ट हो गया, आपको समझने के लिए हो गया, ये तो ब्रेन से आप करने लगोगे कुछ दिनों में, समझ आए? तो अब आपके पास क्या है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर, इसके बाद इंटीग्रल पार्ट, इट इज रिलेटेड विद दिस थिंग, है ना। कितना आएगा? माइनस कॉस 3x अपॉन 3, समझ आया? फिर क्या आएगा? माइनस माइनस 2x एंड माइनस साइन 3x अपॉन 9, इजंट इट। फिर क्या आएगा? प्लस 2 के साथ क्या आएगा? कॉस 3x अपॉन 27। ठीक है, प्लस क्या आएगा? आगे कुछ भी नहीं है, प्लस c, c इज अ
आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आपको अच्छी तरह से पता है कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसी के बेस पे आपको सॉल्व करना होगा, किस तरह से होगा ध्यान से देखो। एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ क्वेश्चन को, एक्स टू द पावर फोर है ना, एक्स टू द पावर फोर साइन एक्स, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि आप बात को पूरी तरह से समझ पाएं, डी एक्स, क्लियर हुआ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है इस पर फोकस करते हैं, ये क्वेश्चन बिट्स में 2013 और आईआईटी में 2003 और भी जाने कितनी जगह आ चुका होगा कुछ वैल्यू चेंज करके। तो मैंने ये इसलिए लिखा ताकि आपको इस क्वेश्चन की वैल्यू समझ में आए, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूँगा आप ध्यान से देखो, इट विल टेक 30 सेकेंड्स। बस आपको क्या करना है कि आपको खुद ट्राई करना है, इसको एक बार समझ लो, क्योंकि मैं समझाऊंगा तो इट विल टेक लिटिल बिट एक्स्ट्रा टाइम, लेकिन आप बड़े आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ध्यान से देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले क्या करता हूँ, इस वाले को लिखता हूँ एक्स टू द पावर फोर, फिर क्या करता हूँ इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा 4x3, फिर इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा 12x2, फिर कितना आएगा 24x2, दैट इज है ना, फिर कितना आएगा 24, फिर कितना आएगा 0, यही तो करना होता है, एक बार 0 आ गया दैट्स इट, क्लियर। आपने डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दिया स्टार्ट, एक्स टू द पावर 4, 4x3, 12x2, 24x, राइट, एंड 24 एंड 0, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है ना, ठीक है। अब क्या करना है आपको, क्लियर कंडीशन आपको क्लियर है, हम क्या करते हैं यहाँ पे प्लस लगाते हैं, यहाँ प्लस लगाया तो ये माइनस आएगा, इट इज प्लस इट इज माइनस, इजंट इट, फिर ये प्लस फिर ये माइनस फिर ये प्लस और ये माइनस, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, ठीक है। हमारा 24 ये प्लस का आया, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करते हैं, आपको पहले से पता है ये वाला पार्ट क्या होगा, इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है। साइन एक्स लेते हैं, साइन एक्स का कितना आएगा माइनस कॉस एक्स, क्लियर हुआ। अब माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना आएगा, ठीक है, माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आएगा साइन एक्स, ठीक है, माइनस साइन के साथ माइनस तो है ही, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, ये आएगा आपके पास कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, ठीक है, माइनस कॉस एक्स, इजंट इट। आगे हमें करना नहीं है, अगर करेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई पर वैल्यू फिनिश हो जाएगी, आपको समझ आया। तो ये एक कंसेप्ट है जिसके बेस पे आप तुरंत आंसर ले रहे हैं, यहाँ पे फिर हम क्या लगाएंगे भाई अपना प्लस सी, ठीक है, सी इज अ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इजंट इट। आपको कितनी देर लगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आपको देखो बस आपको करना क्या है कि थोड़ा सा कंसंट्रेशन परफेक्ट करके आप चीज़ों को सीखें। ये भी पहला मेथड हुआ, आप ढेर सारे मेथड सीख रहे हैं और इन मेथड से कोई भी कॉम्पिटिशन निकालना जिसमें इंटीग्रेशन आ रहा है बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, लेट से आई इक्वल्स टू, मैंने क्वेश्चन लिया इंटीग्रेशन साइन 2x ले लिया और यहाँ पे मैंने ले लिया एक्स टू द पावर 5 dx, समझ आ रही। अब आप खुद सोचो ये क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे, जस्ट यही है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सीधा यहाँ पे ले लूँगा मैं डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा, एक्स टू द पावर 5 लिखूँगा, फिर एक्स टू द पावर 5x4, फिर 20x3, फिर 60x2, फिर 120x, फिर 120, isn't it? बात समझ में आ रही है आपके, ठीक है। केवल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, ठीक है, इट इज द पार्ट, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ, फिर इसका डिफरेंशिएशन यहाँ, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ। एक चीज़ और होती है, जब हमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक साथ करना होता है ना, तभी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, इसीलिए कभी कभी इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में बच्चे गलती कर देते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन भी करना है इंटीग्रेशन भी करना, दो चीज़ एक साथ मिक्स होती है, कहीं का कहीं रूल लग जाता है। तो हमने इसको सेपरेट कर लिया, डिफरेंशिएशन एक बार कर लिया, इंटीग्रेशन एक बार कर लेंगे। देखो अब आपको क्या करना है, साइन 2x का डिफरेंशिएशन, साइन 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, ठीक है, साइन 2x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा माइनस कॉस 2x, राइट, तो ये आ गया आपका माइनस कॉस 2x अपॉन 2, इजंट इट। आपको पता है यहाँ क्या लगाते हैं, प्लस, तो यहाँ क्या आता है माइनस, फिर यहाँ क्या आएगा प्लस, फिर यहाँ क्या आएगा माइनस, फिर यहाँ क्या आएगा प्लस, क्या आएगा माइनस, इजंट इट, समझ आ गया होगा, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, आपको पता है कितना आएगा माइनस
साइन 2x अपॉन 4, ठीक है 4। अब इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, ये आएगा आपके पास, ये हो गया आपका cos x, उसके बाद आ गया sin x, फिर इसका अगेन हो जाएगा आपके पास cos 2x अपॉन 8, isn't it? इसका कितना हो जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास sin 2x अपॉन 16, isn't it? इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, sin 2x अपॉन समथिंग, ये हो जाएगा माइनस cos 2x अपॉन 32, क्लियर। अब इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास माइनस sin 2x अपॉन 64, समझ आया 64, ठीक है, प्लस c, दैट्स इट, यही आपको करना था, ठीक है। बस इतना सा ट्रिक है जो आपको किसी बड़े से बड़े क्वेश्चन को बहुत इजी कर देता है, और अगर आपने ध्यान से देखा हो तो आपको अपने आप ट्राई करना, इट विल टेक आई थिंक 30 seconds, ठीक है, हो सकता है आप 25 seconds में भी कर लो, और ये टाइम आपके लिए बहुत होता है, क्योंकि आपका अगर ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया एग्जाम्स में आया, ये एक्चुअली UPTU में आया हुआ है, CTET में आया हुआ, गुजरात के बहुत जगहों पर आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप ये इसलिए कि वैल्यू पता लगे आपको, क्वेश्चन की वैल्यू क्या है आप बड़े आराम से लगा सकते हैं, ठीक है, ओके। चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, ये क्वेश्चन आपको जस्ट अभी लगाना होगा, 30 सेकेंड्स के अंदर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व विद इन 30 seconds, ठीक है। इंटीग्रेशन मैंने दिया आपको, सपोज x टू द पावर 3 cos 2x dx, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x टू द पावर 5 cos 3x dx, isn't it? ये दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, देखिए क्या कंडीशन आती है। चलिए मैं एक नेक्स्ट शॉर्टकट लेता हूँ जिसको आप सीख करके कुछ क्वेश्चंस को इजीली लगा सकते हैं। एक्चुअल में जब कभी भी ई रेज टू द पावर समथिंग प्लस साइन एक्स कुछ होता है तो ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी डिफिकल्ट हो जाते हैं, क्योंकि इसमें आप पहले आई लेट करते हो, उसके बाद आप इसे इंटीग्रेट करते हो, ई टू द पावर एक्स है ना, उसके बाद साइन एक्स है ना, तो ई रेज टू द पावर एक्स एंड साइन एक्स, ये फिर यही चीज़ बन जाता है आफ्टर सम स्टेप्स, तो उसको आप इधर से कॉमन लेते हो, उसके बाद सॉल्व करते हो, अपने लास्ट लेक्चर्स में मेरे देखे होंगे। तो इसको शॉर्टकट तरीके से कैसे सॉल्व करें, क्योंकि एग्जाम्स में हमारे पास कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं वहाँ टाइम कम होता है, तो उसके रिगार्डिंग हम कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखो। अगर सब कुछ मैंने एक क्वेश्चन लिया है ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग बहुत ईजिएस्ट ट्रिक यूज़ करेंगे, उसको समझो। सपोज हमने क्या किया यहाँ पे, e टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपको समझ आ रहा है a और b क्या है, a और b समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है? तो अब क्या करेंगे इसके आगे, ठीक है, इसके आगे फंक्शन क्या है आपके पास वो देखना है, फंक्शन हमारा है sin x सपोज, तो यहाँ लिख लेंगे a टाइम्स, a कितना है a टाइम्स साइन बी एक्स, साइन बी एक्स माइनस जो भी आपका फंक्शन है, फंक्शन जिसे मैं बोलना चाह रहा हूँ साइन, जो जिसका इंटीग्रल पार्ट है मेरा, उसका डिफरेंशिएशन लगा देंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा मेरे पास कॉस बी एक्स इंटू बी, राइट, इसका डिफरेंशिएशन हो गया यहाँ पे, ये चीज आ गया, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? अगर मैं फंक्शन के फॉर्म में बात करता तो यहाँ पे क्या आ जाता है, एफ एक्स लिख देता, यहाँ पे एफ डैश एक्स बनता है, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, क्लियर है ना? ये एक मेथड है। अब मैं इस पर एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप देखो इसमें कितनी देर लग रही है क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन लिया सपोज ई टू द पावर, कुछ भी आप ले लो जो मर्जी आपके, ई टू द पावर हम ले सकते हैं, सपोज हमने ले लिया चलो 3x ले लिया और साइन ले लिया हमने 5x, ठीक है, इंटीग्रेशन dx, इसको सॉल्व करो कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो ई टू द पावर
यहाँ पे आप आ गया आपका 3x अपॉन, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इजंट इट। यहाँ पे कितना आएगा, ए कितना है मेरा 3 साइन 5x माइनस 5 कॉस 5x। क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट समझ आए? तो एक क्वेश्चन कितनी जल्दी आपने सॉल्व कर लिया, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आपने किसी चीज को कितने फास्ट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया, बस ये ध्यान रखना है, बहुत कम टाइम में आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेते हैं। चलो अब आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ, इसे आप लगाओ। सपोज मैंने दे दिया आपको होमवर्क के लिए, इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस 5x और कॉस 3x, ठीक है, dx। चलो साइन ले लो, यहाँ पे आपको टेंशन हो गई, साइन ले लो, ठीक है। आप इसे सॉल्व करो, यहाँ पे कॉस होगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्वेश्चन सेम ऐसे ही होगा, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करो, ठीक है। मैं एक न्यू क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखो, इसमें मैं ट्रिक अप्लाई करूँगा और वो ट्रिक से क्वेश्चन कितना जल्दी हो जाएगा आपके सामने, आप खुद देखो इसको, ठीक है। मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, इंटीग्रेशन 0 to 3 dx, समझ आए? यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 to 5, 0 to 3, 0 to 2, 0 to 9, कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि ये क्वेश्चन किस तरह से चेंज करेंगे। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये टेट में भी आया हुआ है, सी टेट में 2017 में, कभी भी कहीं दे सकते हैं, जिस तरह से आप जहाँ भी इंटीग्रेशन आता है आप उन जगहों पे इनको अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट बताता है हमें कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये फंक्शन इज ग्रेटेस्ट इंटीजर, इजंट इट। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब क्या है, इसको समझते हैं। हमने इसको क्या करना है, ब्रेक कर देना है। तो ये कितना होगा, 0 to 1, ठीक है, एंड इंटीग्रेशन 1 to 2, फिर इंटीग्रेशन 1 to 2, 3, ऐसे करके इसको हमें ब्रेक कर देना है, 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, बहुत आसान सा है, ठीक है, ये आपने कर दिया। तो ये 0 to 1 में ये इसकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू कितनी होगी, 0 to 1 में लोअर लिमिट जो होती है ग्रेटेस्ट फंक्शन की वही होती है बस, इजंट इट। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में लोएस्ट वैल्यू, क्योंकि इसको डिटेल में जाना भी बेकार है, लास्ट लेक्चर्स में आप देखेंगे, देखा होगा आपने कि मैंने इस पर डिटेल में बात की हुई है। तो जस्ट यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं सिंपल वे में, तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आएगी, लोएस्ट लिमिट, तो ये कितना है 0 dx, समझ आया, प्लस यहाँ पे लोअर लिमिट कितनी है 1 dx, इजंट इट, बस इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। यहाँ पे लोअर लिमिट कितनी है 2 dx। अब यहाँ पे क्या होता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कहीं तक जाता, करना यही था, क्लियर है। तो क्या हुआ, ध्यान से देखो, ये वैल्यू तो खत्म हो जाएगी, 0 है इस वजह से, यहाँ पे क्या आएगा, 1 का कितना आएगा x, और इसकी लिमिट आ जाएगी 1 to 2, प्लस ये कितना होगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा x, और यहाँ पे आ जाएगा 2 and 3, प्लस एंड प्लस, है ना, दैट्स इट, आगे प्लस आएगा नहीं, क्योंकि ये लिमिट्स है यहाँ पे, ये डेफिनेट का पार्ट है, इनडेफिनिट में हम प्लस ही लगाते, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, आपको पता है 2 - 1 प्लस 2 into 3 - 2, दैट्स इट, समझ आया? आप कितनी जल्दी किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बस ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग न्यू ट्रिक ले रहे हैं, इस ट्रिक के थ्रू आप काफ़ी टाइम सेव कर सकते हैं। कभी कभी आपके पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे लीनियर होता है वो, मतलब x टू द पावर 1 होती है और उसका फ्रैक्शन होता है, उसको सॉल्व करना थोड़ा कभी कभी काफ़ी टफ हो जाता है। तो उन क्वेश्चंस को हम बहुत जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये देखते हैं। एक्चुअल में जल्दी सॉल्व करने का मेरा मोटिव ये रहता है कि अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको 2-3 क्वेश्चन भी ऐसे मिल गए जिसको आप 30 सेकंड 25 सेकंड्स में आप सॉल्व कर पाएँ, तो आपको जो क्वेश्चंस आप नहीं कर पा रहे हैं, जो डिफिकल्ट लग रहा है आपको, उन क्वेश्चंस को समझने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करते हैं। मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। सपोज मैंने क्वेश्चन लिया है इंटीग्रेशन 7x - 15 अपॉन 4x + 11, राइट, ये मैंने ले लिया dx। इसको सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान से देखो। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कितना है देखो ध्यान से, यहाँ पर है आपके पास 7, तो a हो गया मेरा 7, x अपॉन c कितना है, दिस इज c, c इज 4, क्लियर। अब माइनस लगाना है आपको, a कितना है मेरे पास 7,
डी कितना है मेरे पास, ठीक है, 11, इजंट इट, डी है मेरा 11, क्लियर। अब मल्टीप्लाई लगा दें यहाँ पे, डी मेरा 11 हो गया, माइनस बी कितना मेरे पास 15, माइनस का 15, इजंट इट, और उसके बाद सी कितना है मेरे पास, सी है दिस, मतलब ये ऐसे मल्टीप्लाई होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इजंट इट, ए डी माइनस बी सी, इजंट इट, तो बी सी कितना है, सी मेरा 4, क्लियर। अब नीचे क्या करना मुझे, इसी का सी का स्क्वायर करना है, सी कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, ठीक है, लॉग ऑफ, ठीक है, सी एक्स प्लस डी, सी एक्स, सी कितना है मेरा, सी है मेरा 4, एक्स प्लस डी कितना मेरे पास 11, बट दैट्स इट, है ना, प्लस सी, दैट्स इट। आप खुद सोचो इस क्वेश्चन में कितना टाइम लग सकता था अगर आप इसको नॉर्मल वे में, ट्रेडिशनल वे से आप इसको सॉल्व करते तो। इस तरह से यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज रख करके मैं बार बार आपको अगर होमवर्क दूँ तो इट विल टेक टाइम। आप समझो मेरे मैटर को कि मैं इसको यहाँ पे सीधे तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, फिर भी चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको। चलिए हम लोग न्यू ट्रिक ले रहे हैं, इस ट्रिक के थ्रू आप काफ़ी टाइम सेव कर सकते हैं। कभी कभी आपके पास कुछ क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर लीनियर होता है वो, मतलब एक्स टू द पावर 1 होती है और उसका फ्रैक्शन होता है, उसको सॉल्व करना थोड़ा कभी कभी काफ़ी टफ हो जाता है, तो उन क्वेश्चंस को हम बहुत जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये देखते हैं। एक्चुअल में जल्दी सॉल्व करने का मेरा मोटिव ये रहता है कि अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको 2-3 क्वेश्चन भी ऐसे मिल गए जिसको आप 30 सेकेंड्स 25 सेकेंड्स में आप सॉल्व कर पाएँ, तो आपको जो क्वेश्चंस आप नहीं कर पा रहे हैं, जो डिफिकल्ट लग रहा है आपको, उन क्वेश्चंस को समझने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करते हैं, मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। सपोज मैंने क्वेश्चन लिया इंटीग्रेशन 7x माइनस 15 अपॉन 4x प्लस 11, राइट, ये मैंने ले लिया dx। इसको सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान से देखो। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कितना है देखो ध्यान से, यहाँ पर है आपके पास 7, तो a हो गया मेरा 7, x अपॉन c कितना है, दिस इज c, c इज 4, क्लियर। अब माइनस लगाना है आपको, ए कितना है मेरे पास 7, डी कितना है मेरे पास, ठीक है, 11, इजंट इट, डी है मेरा 11, क्लियर। अब मल्टीप्लाई लगा दें यहाँ पे, डी मेरा 11 हो गया, माइनस बी कितना मेरे पास 15, माइनस का 15, इजंट इट, और उसके बाद सी कितना है मेरे पास, सी है दिस, मतलब ये ऐसे मल्टीप्लाई होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इजंट इट, ए डी माइनस बी सी, इजंट इट, तो बी सी कितना है, सी मेरा 4, क्लियर। अब नीचे क्या करना मुझे, इसी का सी का स्क्वायर करना है, सी कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, ठीक है, लॉग ऑफ, ठीक है, सी एक्स प्लस डी, सी एक्स, सी कितना है मेरा, सी है मेरा 4, एक्स प्लस डी कितना है मेरे पास 11, बट दैट्स इट, है ना, प्लस सी, दैट्स इट। आप खुद सोचो इस क्वेश्चन में कितना टाइम लग सकता था अगर आप इसको नॉर्मल वे में, ट्रेडिशनल वे से आप इसको सॉल्व करते तो। इस तरह से यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज रख करके मैं बार बार आपको अगर होमवर्क दूँ तो इट विल टेक टाइम। आप समझो मेरे मैटर को कि मैं इसको यहाँ पे सीधे तरीके से मैं सॉल्व कर सकूँ। चलो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ आपके लिए, इंटीग्रेशन 4x प्लस 7 अपॉन 2x प्लस 5 dx, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल है। ए एक्स, ए कितना मेरे पास 4, x अपॉन c कितना है 2, इजंट इट, माइनस a कितना है 4, d कितना मेरे पास 5, ठीक है, माइनस b कितना है 7 इंटू 2, इजंट इट, अपॉन 2 का स्क्वायर, log, log cx प्लस d है ना, 2x प्लस 5 प्लस c, दैट्स इट। आप खुद सोचो कि किसी क्वेश्चन को करना कितना डिफिकल्ट हो सकता है, और थोड़ा सा अगर हम ट्रिक यूज कर लें तो बहुत आसान हो जाता है। चलिए नेक्स्ट ट्रिक लेते हैं। चलिए एक न्यू क्वेश्चन है आपके सामने, इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये ध्यान से देखो। ये एक्चुअली सॉल्व जो होना है ये विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन होना है। पार्शियल फ्रैक्शन में भी बहुत टाइम लगता है ट्रेडिशनल मेथड में जाने पर। यहाँ पे क्या होता है, आपको सबसे पहले ए अपॉन समथिंग, b अपॉन समथिंग, c अपॉन समथिंग करने के बाद आप a की b की वैल्यू निकालते हैं आफ्टर टेकिंग एलसीएम, है ना, तो यहाँ पे अच्छा खासा टाइम आपका चला जाता है। अब मैं इसको नॉर्मल वे में किस तरह से हम शॉर्टकट कैसे लगा सकते हैं इसमें, उसको सीखते हैं।
तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें नॉर्मल तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो इसको लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस फोर इंटीग्रेशन, टेक एक्स कॉमन, एक्स थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स स्क्वायर इजंट इट प्लस फोर एक्स माइनस फोर इजंट क्लियर डी एक्स। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको फैक्टर कर लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर अपॉन एक्स थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फोर इजंट इट डी एक्स डी एक्स। आपको समझ आए? तो अब इसको फैक्टर करेंगे इसका नीचे का तो क्या आएगा, ध्यान से देखो, ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस फोर इंटीग्रेशन, ठीक है x, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास इसका फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइजेशन के बाद आएगा x प्लस टू एंड थ्री एक्स माइनस टू, ठीक है थ्री एक्स माइनस टू डी एक्स। समझ आए? इतना पार्ट तो ईजी था क्योंकि ये क्या था, सिंपल वे में इसको हमने फैक्टराइज कर लिया ताकि मेरे पास थ्री पार्ट्स हो जाए, थ्री फैक्टर्स हो जाए, x, x प्लस टू, थ्री एक्स माइनस टू। समझ आया यहाँ तक? हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यही मिल जाए लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, एग्जाम में आया होगा कहीं पे, तो ये मैंने जस्ट इसको मैनिपुलेट कर दिया। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं ना एग्जाम्स में कि चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स हो चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, क्वेश्चन को हल्का सा ट्विस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे इसका आपको समझ आया मैंने सिंपल वे में, ये जो नीचे पोर्शन था आपको देख करके थोड़ा सा लगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस तरह से मैंने इसको फैक्टराइज कर दिया, यहाँ तक ले क्वेश्चन यहाँ से भी मिल सकता आपको, ठीक है। तो क्या पैटर्न होगा इसको सॉल्व करने का, ध्यान से देखो, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं इसमें, आप प्रोसेस को समझना, थोड़ा सा कंसंट्रेशन चाहिए यहाँ पे, आपको इजीली समझ पाएंगे कैसे करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए टाइम्स लॉग एक्स प्लस बी टाइम्स लॉग एक्स प्लस टू प्लस सी टाइम्स लॉग c टाइम्स log 3x माइनस टू प्लस सी, दैट्स इट। इतना सा काम है। अब a भी c की वैल्यू अगर निकाल लूँ मैं किसी तरीके, इसको c डैश कर दो, आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, यहाँ भी c सी डैश, सी डैश इज अ इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट है ना, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन या आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो आपके पास a log x प्लस बी log x प्लस टू सी log 3x माइनस टू, यहाँ तक समझ आया? अब क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे इसको समझते हैं। तो ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू एंड सी इक्वल्स टू, बस थ्री स्टेप्स में आप इसको सॉल्व कर लेंगे। प्रॉब्लम क्या है, लॉग लगाया करते चले गए, मॉड लगा दो यहाँ पे, ठीक है ये मॉड ऑफ होगा, ठीक है दैट्स इट, क्लियर है ना। अब ए की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, ए की वैल्यू है ना, तो ए की वैल्यू यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू है एक्स, ध्यान से समझना, ये जो है इसको आप हटा दो, जो बचे रेस्ट इनमें एक्स इक्वल्स टू जीरो रख दो, तो कितना आएगा जीरो प्लस फोर अपॉन जीरो प्लस टू अपॉन थ्री इंटू जीरो माइनस टू इजंट इट। तो ये वैल्यू कितनी हुई आपकी, फोर अपॉन टू इंटू माइनस टू, तो ये कितना हो गया आपका, सही ना, तो इसको आप कट कर देंगे कितना आ जाएगा टू, टू से कितना है माइनस वन, दैट्स इट द वैल्यू ऑफ ए। कितना आसान हो गया निकालना। अब बात करते हैं इस वाले पार्ट को, तो हमने यूज कर लिया क्योंकि हमें किसका चाहिए, बी बी किसका है एक्स प्लस टू का, तो एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो रख दो, तो यू विल गेट एक्स इक्वल टू माइनस टू। कहाँ रखेंगे इसको, हाइड करने के बाद इसको गैप कर दो इस वाले पार्ट को, बाकी जगहों पर रख दो, कितना आ जाएगा माइनस टू का स्क्वायर, ठीक है प्लस फोर अपॉन माइनस टू इंटू थ्री एक्स, थ्री इंटू माइनस टू माइनस टू इजंट इट, तो ये हो गया आपका माइनस सिक्स, माइनस सिक्स दैट्स इट। इसी तरीके से आप सी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे ये देख लेते हैं। यहाँ से इसको उठा के जीरो के बराबर रखा तो मेरा कितना आया थ्री बाई टू, तो ये हो गया थ्री बाई टू बाई थ्री इजंट इट, टू बाई थ्री, तो ये आया टू बाई थ्री का स्क्वायर, ठीक है प्लस फोर अपॉन दिस इज थ्री एंड टू बाई थ्री माइनस टू दैट्स इट। अब आप खुद सोचो ये क्वेश्चन कितना आसान हो गया है इसको सॉल्व करना। तो आप नेक्स्ट लेक्चर्स में कुछ और सुपर ट्रिक्स देखेंगे, आप बस कंटिन्यूसली किसी तरीके से आप इन क्वेश्चंस को आप प्रॉपर तरीके से खूब प्रैक्टिस करेंगे तभी आप इनको प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे।